नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। यूपी वीडियो मामला, सीएम सिद्धरमैया के परिवार के खिलाफ ट्वीट करने पर बीजेपी वर्कर के खिलाफ FIR। केरल, सोशल मीडिया पर महिला पत्रकार का यौन शोषण करने का आरोप, पूर्व जज के खिलाफ केस दर्ज। बिहार, कटिहार गोलीकांड मामले में अब तक कोई FIR दर्ज नहीं, जांच रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस। दिल्ली, मालवीय नगर में कॉलेज के बाहर लड़की पर रॉड से हमला। डेंगू की स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार की अहम बैठक कर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। विपक्ष के विरोध के बीच भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2023 लोकसभा में किया गया पेश। सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करने के बाद बोले पीएम मोदी, भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 31 जुलाई तक के लिए स्थगित की गई। इंडिया गठबंधन के सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन, मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग। गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी। मोदी सरकार को कुल महिलाओं की गरिमा की नहीं, अपनी छवि की ज्यादा चिंता रही ओवैसी। खड़गे के चैम्बर में विपक्षी सांसदों की बैठक, मणिपुर पर सरकार को घेरने की बनी रणनीति। यूपी में बिजली होगी महंगी, 1.09 प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ सकते हैं दाम। दिल्ली पुलिस ने मुहर्रम जुलूस से पहले जामा मस्जिद इलाके में किया गश्त। महाराष्ट्र, हिंगोली जिले में बारिश से हालात बिगड़े, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में महिला को गोली मारने वाले आरोपी ने किया सुसाइड। बिहार लाठीचार्ज मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सिद्धरमैया को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। शराब घोटाले मामले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीरिया में विस्फोट में 6 की मौत, 20 से अधिक घायल। कर्नाटक के गवर्नर को लिए बिना ही उड़ गई एयर एशिया की फ्लाइट, प्रोटोकॉल उल्लंघन का लगा आरोप। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।